हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल करें रिक्वेस्ट वी एग्ज़ाम। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जेएनके का यूनियन बजट जो है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए रिलीज कर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे और जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए काम रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी जेके पी एस आई की रिक्रूटमेंट जो भी रिक्रूटमेंट आने वाले जो भी जेके एस वी एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम जो एलोकेशन हुई है मेजर स्कीम्स की उसके ऊपर बात करेंगे, कितना पैसा एलोकेट किया है, यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 961 करोड़ जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें जो है वो 29 प्रोजेक्ट हैं जिसकी कॉस्ट जो है वो 5013 करोड़ है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए 961 करोड़ जो है वो एलोकेट करे गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। ठीक है, और टोटल कितने 5 साल के लिए कितना एलोकेशन करा गया है 5013 का। ठीक है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया, थोड़ा ज़्यादा फिगर्स नहीं पड़ेंगे, 3-4 फिगर्स पड़ेंगे ताकि हम इसको कम से कम 5-6 पार्ट्स में कवर करें ताकि हमारा जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो हमारा कवर हो जाए। ठीक है, तो इसमें हॉर्टिकल्चर को कितना पैसा दिया गया 60 करोड़ रुपये। ठीक है, इंडस्ट्रियल इस्टेट को कितना पैसा दिया गया 210 करोड़ रुपये। ठीक है, ये सभी करोड़ में ही है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड की प्रमोशन के लिए कितना पैसा दिया गया, ये दिया गया 15 करोड़ रुपया। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के लिए कितना पैसा दिया गया 200 करोड़ रुपया। ठीक है, इसमें यूथ को स्टार्टअप्स के लिए प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जो है पैसा दिया गया। ठीक है, उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, उसके लिए कितना पैसा दिया गया 100 करोड़ रुपया। ठीक है, तो अभी यहाँ तक इतने रखते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स को कितना पैसा दिया गया 100 करोड़, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के लिए कितना पैसा 200 करोड़, ये सभी जम्मू कश्मीर का ही है। ठीक है, उसको ट्रेड प्रमोशन के लिए कितना पैसा दिया गया 15 करोड़। ठीक है, GST रिफंड ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसलिए चलो पढ़ लेते हैं, 450 करोड़। उसके बाद इंडस्ट्री को इंसेंटिव देने के लिए 48 करोड़, कि अगर कोई बाहर का इंडस्ट्रीज जो है वो जम्मू कश्मीर में कोई प्लांट इस्टेब्लिश करती हैं तो उसके लिए उनको इंसेंटिव देने के लिए 48 करोड़ रुपये एलोकेशन किए। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाने इस्टेब्लिश करने के लिए 410 करोड़। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के लिए 60 करोड़ और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए 961 करोड़। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में। ठीक है, पूरा हम चीज़ें पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम जो है वो उस पर पढ़ लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो है वो कितना पैसा जो है वो एलोकेट किया गया। पहले एम्प्लॉयमेंट का ही पढ़ लेते हैं, यहाँ पे टूरिज्म आ गया तो स्टार्टिंग्स में अब यहाँ पे क्या लिखा गया ये पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है, ये आपको फिगर याद रखनी, सिंपल सी बात है, ये आपको फिगर याद रखनी है। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के लिए इतना पैसा दिया गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है। ठीक है, सभी ये आप थोड़ा सा फिगर बेस्ड डाटा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद PM गतिशक्ति स्कीम जो है वो फुली इम्प्लीमेंट होगी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, PM गतिशक्ति स्कीम जो है वो फुली इम्प्लीमेंट होगी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, उसके बाद डिजिटलाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम, जो जुडिशियल सिस्टम उसको डिजिटलाइज जो है वो करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कितना पैसा दिया गया, क्या क्या चीज़ें कर रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, 200 किसान खिदमत सेंटर घर। ठीक है, उनको स्टैब्लिश 2000। ठीक है, 2000 किसान खिदमत सेंटर जो है घर इस्टेब्लिश किए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इतने किसान खिदमत घर जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे, 2000 किसान खिदमत सेंटर जो है वो सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अभी कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके अंदर आएंगे होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर, वो आएंगे 29 प्रोजेक्ट्स। ठीक है,
29 प्रोजेक्ट्स जो है वो अप्रूव हुए। यहाँ सीधा क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितने प्रोजेक्ट जो हैं वो अप्रूव हुए हैं, वो है 29। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, उस पर 3000 डेयरी यूनिट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगी 4000 लोगों को। ठीक है, 3000 डेयरी यूनिट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगी 4000 लोगों को। ठीक है, उसके बाद उसके बाद 100 सैटेलाइट हीफर रीडिंग यूनिट। ठीक है, 100 सैटेलाइट हीफर रीडिंग यूनिट इस्टेब्लिश किए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर के में। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को इस्टेब्लिश किया जाएगा इसमें। ठीक है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड बस ये इम्पोर्टेंट इसमें। अच्छा, फिश की प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जाएगा जो कि अभी कितनी है 30,670 मेगाटन है, बढ़ा के 35,200 मेगाटन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट रूरल डेवलपमेंट में कितना क्या चीज़ करिएगी, अंडर मनरेगा के अंदर जो है वो 400 लाख मैन डेज जो है वो ग्रांट, 400 दिन जो है वो ग्रांट किए जाएंगे, 400 लाख रुपया जो है पैसा जो है मनरेगा के अंदर जो है वो दिया जाएगा, यानी 400 दिन, यहाँ पर कुछ गलत है, यहाँ डेज हो गया यहाँ। ठीक है, 400 दिन का जो है वो मैन डेज यानी उनको काम दिए, 400 दिन का काम दिए, यहाँ लाख नहीं होगा, यहाँ डेज होगा। ठीक है, उसके बाद अंडर हिमायत ट्रेनिंग। ठीक है, हिमायत ट्रेनिंग के अंदर 7000 कैंडिडेट्स को जो है ट्रेनिंग की जाएगी, 7000 कैंडिडेट की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, उसके बाद 12000 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बनाए जाएंगे 2024-25 में। ठीक है, हिमायत के अंदर 7000 कैंडिडेट्स की जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और 12000 एडिशनल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बनाए जाएंगे अंडर 2024-25। ठीक है, और 600 न्यू ग्राम पंचायत गर्ल्स को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अंडर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान विद 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 600 पंचायत घर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, न्यू पंचायत घर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इसमें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंदर, इसमें 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, और 12000 एडिशनल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 8000 हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण यानी गाँव में। ठीक, 80,000 ठीक है, 80,000 घर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, और 6 villages को उनका सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, 6 villages की जम्मू कश्मीर में, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टूरिज्म में क्या आ गया, टूरिज्म में आ गया कुछ डेवलपमेंट की जाएगी, 12 ऑफ वीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसमें 6 जो है वो कश्मीर में है और 6 चीज़ें जो डेस्टिनेशन है जो कश्मीर में, मिस की जाने की 12 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है उनको बनाया जाएगा, उनको इम्प्रूव किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा कि वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, जिससे क्या कहते हैं लोकल बिजनेस को प्रमोट मिले और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। ठीक है, उसके बाद तोसा मैदान और सिंथन सर्कस को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद किरण को एक जगह है, ठीक है, उसको टूरिस्ट विलेज जो है बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि कौन से एरिया को जो है वो टूरिस्ट विलेज बनाया गया है, वो तो वो है किरण। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ डुग्गर डनी विलेज है सांबा में, उसको सेटअप किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मॉक विलेज। ठीक है, तो डुग्गर डनी विलेज को इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि सांबा में है एज इन द फॉर्म ऑफ मॉक विलेज। ठीक है, और 130 मीटर का जो है हाई नेशनल फ्लैग जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा पत्नीटॉप में। ठीक है, 130 मीटर का हाई नेशनल फ्लैग जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा पत्नीटॉप में। ठीक है, और 75 हेरिटेज साइट्स जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कंप्लीट की जाएंगी और रिवाइवल उसका किया जाएगा, जो भी पुरानी साइट्स हैं जम्मू कश्मीर में उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिवाइव किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद
श्री प्रताप सिंह म्यूजियम जो है उनको उसको डेवलप किया जाएगा उसको और उसको मॉडर्नाइज जो है वो करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बस वो सारी सारी लाइब्रेरी को डिजिटाइज करा जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना रखते हैं, बड़ा सारी चीज़ें जो हमने पढ़ ली हैं इसको आप अभी रिवाइज़ करना। अब इसके चांसेस इस जो अभी जूनियर स्ट्रीम एग्ज़ाम होगा उसमें तो नहीं है, बट आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें बड़े इंपॉर्टेंट चांसेस, बट अब जूनियर स्ट्रीम एग्ज़ाम में भी आ सकता है, बट उसका चांस कम है, बट आप पढ़ लोगे तो बेनिफिट ही हो जाएगा आपको, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।